हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल प्लस माइनस मैथ्स। और आज हम एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे। और क्वेश्चन है, द डायमीटर ऑफ ए साइकिल व्हील इज 21 सेंटीमीटर। हाउ मेनी रिवॉल्यूशंस विल इट मेक इन मूविंग अ डिस्टेंस ऑफ 66 मीटर। तो एक साइकिल व्हील है और उसका डायमीटर है, डायमीटर ये फुल होता है, इसका डायमीटर है 21 सेंटीमीटर। और हमें बताना है कि एक डिस्टेंस दे रखा है 66 मीटर। 66 मीटर डिस्टेंस दे रखा है और हमें बताना है कि ये 66 मीटर डिस्टेंस कितने रिवॉल्यूशंस में कवर करेगा। तो ये 66 मीटर तो उतने ही रिवॉल्यूशन में कवर करेगा जितना ये एक सर्कमफेरेंस होगा। ऐसे ही फिर एक और सर्कल हो जाएगा। तो सबसे पहले तो इसे हमें सेंटीमीटर में चेंज करना होगा क्योंकि ये भी सेंटीमीटर में है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 66 मीटर में हो जाएंगे 66 × 100, 6600 सेंटीमीटर। और एन हम मान लेते हैं रिवॉल्यूशंस, तो एन की वैल्यू निकल जाएगी डिस्टेंस अपॉन सरकमफ्रेंस से। तो एन इज इक्वल्स टू डिस्टेंस हम रख देंगे 6600, और सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल का फॉर्मूला होता है 2πr। अब हमें पता है 2r को हम डायरेक्ट डायमीटर भी लिख सकते हैं, तो इस 2r की जगह हम पाई डी रख देंगे। अब हम सारी वैल्यू पुट कर देते हैं, 66,000 अपॉन पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7 इंटू डायमीटर 21। तो ये 7 × 3 = 21 हो जाएगा, 66,000 अपॉन 22 इंटू 3। इसको 11 से कैंसिल करते हैं, 11 × 2 = 22, 11 × 6 = 66, 0 0, 2 × 3 = 6, 0 0, और 3 × 1 = 3, 0 0। तो एन की वैल्यू आ गई 100, मतलब 100 रिवॉल्यूशंस में, 100 रिवॉल्यूशंस में वो व्हील ऑफ साइकिल 66 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो होपफुली आपको क्वेश्चन समझ आ गया हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।